अच्छा हो ना माही चली गई। तो तुम क्यों उसको छोड़ के चले गए? मुझे कितना बिना प्याज लहसुन के सब्जी है ये। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पार्थ इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, हम लोग कहाँ पे जयकारे लगा रहे हैं, मैं कौन सा गीत गा रही हूँ और खाने में क्या बनाया है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड़िया झा। एक्चुअली फेसबुक पे एक मिथिला ग्रुप है जिसे कि कल ही मैंने ज्वाइन किया है, तो उस पर एक गीत नाच प्रतियोगिता चल रहा है जिसमें कि सबको पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने भी किया है, तो उसी के गीत की तैयारी चल रही है। जय माता दी, आज नवरात्रि का छठा दिन है तो जय माता कात्यायन। अभी मेरा सारा काम हो चुका है, तो अभी अमित जो हैं ऑफिस जा रहे हैं और दोनों बच्चे जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं कि उनको भी बाइक पर चढ़ के घूमने जाना है। पार्थ ने चप्पल भी नहीं पहन रखा है, देखिए, तो भी मैं उसको चप्पल पहनने के लिए बोल रही हूँ, चप्पल पहन के फिर भाग गया पापा के पास। तो अभी जा रहे हैं दोनों घूमने के लिए। एक्चुअली जिस घर में छोटे बच्चे हो उस घर के पापा की ना डबल ड्यूटी होती है, उनको जाते वक्त भी बच्चों को घुमाना पड़ता है और आने के बाद भी बच्चे जगे हो तो उनको घुमाना पड़ता है। पार्थ मुझे बाय कर रहा है, बाय बेटा। गए दोनों घूमने पापा को परेशान करने के लिए। दोनों पापा के साथ घूमने के लिए निकल गए। उन लोग को पापा जाते हैं आते हैं तो एक बार घुमाना ज़रूरी होता है, तो लगभग अमित रंजन का ये रूटीन रहता है। तो देखिए मैं वेट कर रही हूँ, दोनों को लूँगी तब गेट लगाऊँगी, देखते हैं कब तक आते हैं। पहले मुझे पार्थ का रोना संभालना पड़ता था, अब मुझे माही का रोना संभालना पड़ता है। बाइक से उतरते ही लड़की रोना स्टार्ट, उतरना नहीं चाहती। पार्थ जो है अपनी छोटी दादी के पास जाने के लिए जिद कर रहा है, वहाँ पे बच्चे सब उनके साथ खेलने के लिए, तो वो जा रहा है वहीं पे। जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, सब्जी मैंने बनाया नहीं था, चावल दाल चोखा खा के चले गए थे। पार्थ जो है अपने पापा के साथ ही छोटी दादी के यहाँ चला गया और माही यहीं पर है। बेचारी माही पार्थ को जाते देख बहुत ज़्यादा रोने लगी, किसी तरीके से मैंने चुप कराया और उसको सुला दिया है, तो अभी वो शांति से सो रही है। पहले मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मैंने खाया नहीं है कुछ, रोटी वगैरह कुछ खा लेती हूँ, रोटी दही सब है तो ये भी मैं खा रही हूँ। और फिर सोच रही हूँ मैं मिथिला में कौन सा गाना गाऊँ, मुझे मैथिली में गाना बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं बहुत बेसुरी भी हूँ, तो इसीलिए डर भी लग रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। तो आ गई मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं वैसे तो बहुत गंदा गाना गाती हूँ, आप लोग मुझे झेल नहीं पाइएगा, लेकिन पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे कमेंट आते रहेंगे कि ऐसे फ़ोटो तो बहुत डालती है लेकिन गाना नहीं डाल सकती प्रतियोगिता में, तो इसीलिए। नमस्कार, हम गुड़िया झा, ओना तक गीत गाना हमारा लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम छै, लेकिन फिर भी हम ट्राई करै छी, अगर कोनो गलती हैत तो माफ़ करब। चलो हम एकटा भगवती के गीत सुनाबै छी। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियौ गोसावनी, सहज सुमति वर दियौ गोसावनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। बांसर रैनी सवासन शोभित, बांसर रैनी सवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूरा, जय जय भैरवी असुर भयावनी। कतौ कदेत
उगली करिकूरा जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयावनी। धन्यवाद, गलती भेल तो प्लीज़ माफ़ कर दे। जैसा भी गाना लगे लेकिन प्लीज़ सुन लीजिएगा। और अभी जो है माही बहुत ज़्यादा बोर हो गई है क्योंकि आज पार्थ है नहीं, तो बेचारी बड़ी सैड सैड सी है। मैं भी शाम का टाइम हो चुका है तो थोड़ा बहुत माही को खाना खिला दी, अब थोड़ा सा घर को अरेंज कर लेती हूँ, फिर शाम का देर दिखाने का टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा घर को अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और फिर पार्थ आज है नहीं तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी ना अजीब सा लग रहा है, पूरा घर खाली खाली सा लग रहा है। माई भी इतनी शांत कभी नहीं बैठती है, ऐसे मुझे तंगी है, बहुत तंगी है, लेकिन दोनों आपस में जब खेलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है देख के। मैं भी चिल्लाते रहती हूँ लेकिन आज शांत है। एक्चुअली ये मंदिर जो है ये हमारे घर के पास ही है, तो जैसे ही घर में सांस दे करके मैं किचन में गई, किचन में बिल्कुल डायरेक्ट आवाज़ आने लग गई जग जननी जय जय और जय अम्बे गौरी की। तो वैसे ही पहले पार्थ भाग गया मंदिर पे और फिर पीछे पीछे मैं भी आ गई माही को लेकर के। तो बस सब अब यहाँ पे आरती कर ही लेते हैं तब घर जाएंगे। पहले तो यहाँ पे मतलब 400-500 लोगों का भीड़ रहता था आरती के टाइम पे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत कम है, फिर भी 50-60 लोग अभी भी हैं। तो चलिए माता रानी की जयकारा लगाते हैं। वरुणा शशांकम प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्त्रकृतम पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय, मां सेवे वाली की जय, बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की पार्थ जब रात में घर आया तो मैंने उससे बोला कि मैंने माही को उसी हॉस्पिटल में दे आया जहाँ से वो आई थी, क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रही थी इसलिए वो रो रहा है। चली गई, अच्छा हो ना माही चली गई। तो तुम क्यों उसको छोड़ के चले गए, मुझे कितना परेशान कर रही थी वो। तो तुम्हें बताओ क्या चाहिए तुम्हें। चाहिए माही, माही चाहिए ना। और माई को मारोगे नहीं ना कभी। माई को नहीं मारोगे ना, जाओ पहले हेडवाश को, जाओ हेडवाश करो तब लाते हैं। चॉकलेट कॉल करना पड़ेगा, चॉकलेट और जाओ पहले ना कुछ मत छू, चलो हेडवाश करो, चॉकलेट धो। एक बार आवाज़ दो तो माई को, एक बार आवाज़ दो तो माई को, हेडवाश करो पहले। माई को बैठ के नीचे ढूंढ रहा है पार्क, उधर जाके देखो तो बेचारा कितना प्यार करता है उसको। मिल गए बेचारे, किसी के मारे घर से मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अभी वो पार्क माही को चॉकलेट दे रहा है। अब थैंक यू बोलो मम्मा को, एक किच्ची करो माई को। दिन भर पता है तुमने कितना परेशान की है। इसको क्यों मैं इस कितना मुझे आज ये परेशान कर रही है, तुम जो चले गए थे बार बार बोल रही थी पार्थ कहाँ है, पार्थ कहाँ है, और रोई जा रही मन कर रहा था खींचा के मारूं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, तुम इसको छोड़ के नहीं जाओगे ना, प्रॉमिस बोलो क्या। और मम्मा को, मम्मा को भी एक किच्ची दो। अल्लाह भी बोलो।
ये मेरी आज की पिक ऑफ द डे तो यही है। तो चलिए माही और पार्थ की मस्ती के साथ बाय, गुड नाइट। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको मिथिला का ही मतलब रेसिपी है मिक्स सब्जी घटोल जिसको कहते हैं, तो उसकी रेसिपी कल मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। बिना प्याज लहसुन की सब्जी है और इसको नवरात्रि के आप हमेशा ही खा सकते हैं, तो ही मैं सब्जी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।